26 जुलाई 1999 भारत के इतिहास की वो अमर तारीख है जब मां भारती के सपूतों ने पाकिस्तान की सेना को कारगिल में धूल चटा दी थी। चुनौती मुश्किल थी क्योंकि पाकिस्तान की सेना चोटियों पर बने भारतीय बंकरों में घुस गई थी। 3 मई को भारतीय सेना को इसकी सूचना मिली और 5 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन विजय का निर्णय लिया। हम शांत चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अटल जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने महज 84 दिनों में दुश्मन पर 2.5 लाख तोप के गोले दागे। 300 तोप, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन पर हर दिन करीब 5000 से ज्यादा फायर किए गए। 9 जून आते आते भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त करते हुए बहुत सी चोटियों पर तिरंगा लहराना शुरू कर दिया था। 2 जुलाई को भारत ने कारगिल फतह करने के लिए 3 तरफ से हमला कर दिया। इसके बाद 13 जून को द्रास सेक्टर में, 29 जून को टाइगर हिल के नजदीक 2 महत्वपूर्ण चौकियों 0.5060 और 0.5100 पर और 4 जुलाई को सबसे महत्वपूर्ण टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। भारत के दुश्मनों के प्रति अटल सरकार के तेवर देखते हुए चीन और अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद घबराई पाकिस्तानी सेना 11 जुलाई से रण क्षेत्र को छोड़कर भागने लगी और 14 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी, जिसने पूरे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 26 जुलाई को सेना ने युद्ध की जीत का औपचारिक ऐलान किया और अटल जी की सरकार ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। सबसे कठिन रणक्षेत्र और मुश्किल हालात में मां भारती के सपूतों ने जिस अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया, उसे देश हमेशा याद रखेगा। कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी।